नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। जी हाँ, लोकसभा चुनाव समर को देखते हुए मैं के साथ सुरेंद्र रावत आपको बता रहे कि महाराजगंज लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी माननीय पंकज चौधरी 5 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में गए हुए हैं। उन्हें चुनाव जिताने के लिए आज अमित शाह जी नौतनवा में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ रही सुप्रिया श्रीनेत के लिए प्रियंका गांधी ने महाराजगंज में जनसभा किया। बताते चले कि नौतनवा में पंकज चौधरी को जिताने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पहुंचे, तो वहीं कहीं ऐसा देखने को मिला कि तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। अब ऐसे में प्रतिदिन कोई न कोई स्टार प्रचारक महाराजगंज में पंकज चौधरी को जिताने के लिए आ रहा है, परंतु आने वाले 19 मई को ही पता चलेगा कि कितना मतदान होता है और 13 मई को रिजल्ट आम जनता के सामने होगा कि महाराजगंज लोकसभा सीट से माननीय पंकज चौधरी छठी बार जीतकर लोकसभा में जाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई नौतनवा के लोगों की आवाज को क्या हो गया है? देखिए, मोदी जी बंगाल जाने के लिए निकले हैं, उन तक आवाज जानी चाहिए। नौतनवा में भाजपा के लोग इकट्ठा हुए पंकज चौधरी को जिताने। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई पंकज चौधरी जी, डुमरियागंज के सांसद श्रीमान जगदम्बिका पाल जी, वित्त राज्य मंत्री श्रीमान श्री प्रताप शुक्ला जी, हमारे श्रावस्ती के सांसद ददन मिश्रा जी।